मॉर्निंग रोहित, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, सभी को पहले ये कन्फर्म कर दो कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। आज मैं डिस्कस करूँगा आपका जूनियर का मैथ का पेपर। प्यारे बच्चों, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को आवाज़ आ रही है क्लियर? जल्दी से बताइए। गुड मॉर्निंग शिवानी, रोहित, सीलू, अर्चना, विजेंद्र, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज बच्चों हम देखेंगे जूनियर का पेपर किस तरीके से होगा, क्या कहानी है, किस तरीके समझ में आएगा, ये सारी बात है। तो चलिए फिर चलते हैं और देखेंगे हम पेपर। सबसे पहले मैं आपका चैट बॉक्स बंद कर दूं, ये लीजिए। तो पहले तो बच्चों हम चलते हैं मैथ की तरफ, जिसमें मैथ के क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले। तो आपको मालूम, मैंने कल कहा था कि ये पेपर डाउनलोड कर लिया हो टेलीग्राम चैनल से, तो आपको पता चलेगा। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 31, जल्दी से एक बार मैथ को वापस देख लेते हैं। ये तो सोशल साइंस का पेपर है और इसका ऊपर जस्ट मैथ और साइंस, याद रखना। जब सेकंड पेपर आएगा तो फिर मैथ और साइंस पहले आती है, उसके जस्ट रिपीट में फिर से क्वेश्चन नंबर 61 to 90 होंगे, वो आपके फिर से सोशल साइंस के होंगे। तो चाहे सोशल साइंस हो, चाहे आपका मैथ और साइंस हो, आपको 20 क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं, क्योंकि वो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं और कोई ज़्यादा मार्क नहीं लगाना होता। तो यहाँ से था अपना सारा कहानी। तो ये पहला क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या लगना है, थ्योरी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 2 1 1 6 8, ये इस तरीके से। तो ये सारे तो थ्योरी का क्वेश्चन है, ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है, ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आगे चलते चले आओगे और हमने एक क्वेश्चन देखा था पेडागोजी का, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 46 44 43 41, ये सारे आपके थ्योरी के क्वेश्चन है मैथ के। और ये कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। अभी मैं अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा तो आपको और अच्छा लगेगा। तो चलिए, 48 क्वेश्चन था और ये हम सही कर चुके थे। और 48 का प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या था, आपने ही बताया था। तो 48 का आंसर था आपका, एक गणितीय प्रमेय क्या है जिसको सदैव सही होता, उसे उत्पत्ति आवश्यकता नहीं गलत था, जिसे जानकारी नहीं, जिसकी यथास्थित से रहित है। सही आंसर क्या था, पहला। सुबह थोड़ा सा गला बैठा रहता है, आई होप कि आपको फिर भी आवाज़ आ रही होगी। तो चलिए बच्चों, 48 के बाद अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन और वो है 49। तो मुझे बताओ अगला क्वेश्चन जो 49 है उसका आंसर क्या होगा। 48 का फर्स्ट हो चुका था। क्वेश्चन है कि वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर होंगी, यह अवगृहित। अब अवगृहित का मतलब कुछ नहीं होता, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिस एक्जियम, मतलब ये कथन एक तरह से। अवगृहित मतलब जो चीज मानी जा चुकी है। अवगृहित वर्ड का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, जो चीज मानी जा चुकी है, मानी जा चुकी जाने वाली चीज को अवगृहित बोलते हैं, यह ग्रहण कर ली गई है। तो जो अवगृहित है, अंकगणित व बीजगणित का आधार है। तो ये क्वेश्चन देखिए, पेडागोजी में हमेशा ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको हमेशा इसमें, आपको मैं आपको बताऊं तो थ्योरी टाइप के आंसर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कि इस तरीके से आपका आंसर होगा क्या, यूक्लिड। अब ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन आपको कैसा दिख रहा है, मतलब ये तो पढ़ने के बाद ही बनेगा। तो चलिए मैं फिर आपको समझाता हूँ कि याद रखना कि जितना बीजगणित का काम है वो यूक्लिडियन मेथड आपने पढ़ी होंगी, ये सारी चीज़ें।
तो आपको मैं बता दूं कि अधिकतर बार इसमें आंसर आपका यूक्लिड होगा, क्योंकि इसमें कुछ सोचना और समझने की, जैसे पाइथागोरस प्रमेय है तो ये काहे के लिए होती है आपको मालूम है, कर्ण का वर्ग और लंब का वर्धन आधार, तो ये तो ज्योमेट्री में होती है, और यहाँ अंक गणित और किसकी बात की जा रही, बीज गणित की, आयलर एक थ्योरम होती है ये भी बीज गणित की होती है, लेकिन अंक गणित और बीज गणित दोनों का आधार होता है यूक्लिड। आगे भी जब भी इस तरीके से कोई बंदा आ जाए तो ये डेकार्त एक दार्शनिक था, तो यह आंसर क्या होगा, यूक्लिड होगा, ठीक है। और ये गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये भैया संदीप यादव पेपर होगा, देखिए जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं तो सबको लगता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट है, अगर उसे पॉजिटिव सिग्नल दिखाना है जनता को, नहीं सबको सुनना है तो बिल्कुल करवा सकती है, बहुत सारे न्यूज से कंफर्म हो रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अगले 15 दिन में, क्या मैं कह रहा हूँ 22 तारीख के बाद आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप पास नहीं होंगे, 22 से लेके जो अगले 4 जुलाई तक के दिन होंगे उसमें तो आप रिवीजन कर रहे होगे। बिल्कुल परेशान ना हो, बस एक बात दिमाग से निकाल दो कि थ्योरी नहीं पढ़ी तो आप पास नहीं होंगे, थ्योरी नहीं पढ़ी तब भी थ्योरी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अभी दिमाग से निकालो, क्योंकि पहले तो कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर कि भाई हम ना पढ़े हुए भी कितने क्वेश्चन हैं, जैसे ये क्वेश्चन है आपसे नहीं बना, मैं नहीं कह रहा कि आपसे बनेगा, ये कैसा क्वेश्चन है, 3 नंबर है, ठीक है। अब आते हैं 50 पे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दीपांशी, कोमल बत्रानी, ब्रजेश, दिव्यांशु, दीक्षा, तोमर, सभी को, दीप्ति, गौतम, शिवांगी, संगा, सुचित्रा। चलिए आप जल्दी से बताइए आपका 50वां क्वेश्चन ये आपके सामने है, मैं पहले पढ़ देता हूँ। लिखा है कि अब देखना 10 क्वेश्चन आएंगे गिनती के, मैंने आप जहाँ तक 48 से स्टार्ट किया है, तो 48 से अगर स्टार्ट करोगे तो 10 क्वेश्चन कहाँ पर ख़त्म होंगे, जाके 58 पर होंगे, तो देखते हैं देखो 10 क्वेश्चन है कि नहीं। 15 क्वेश्चन नहीं आते जूनियर में मैथ के, पेडागोजी के, सिर्फ कितने आते हैं 10। तो बताओ बच्चों, गणित में अंतः विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए, अब देखो जब भी ऐसे वर्ड हुआ करें, अब अंतः विषयकता आ गया तो आप क्या किया करो, जैसे यहाँ पे अंतः विषयकता आ गया है तो आप इसे अंडरलाइन कर लो। अब अंतः माने भीतरी, विषयकता मतलब जानकारी, तो गणित से संबंधित गहरी जानकारी को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करवाएंगे। अब देखो पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड पर ही अपन खेलेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि प्रोजेक्ट मतलब होता है करके सीखना, तो ये तो अच्छा वर्ड है। और वर्णन अभिलेखों मतलब देखो ये बगल में लिखा होगा एनसीडोटल रिकॉर्ड, देखो यहाँ पे ये देखो वर्णन अभिलेखों की हिंदी अंग्रेजी क्या होती है, एनसीडोटल रिकॉर्ड्स, तो ये तो आपका परफॉर्मेंस बताता है, आपकी गहरी समझ बनाएगा, तो यहाँ पर ये काम नहीं आएगा। ओलम्पियाड मतलब परीक्षा तैयारी करवाना, तो हमेशा सीटेट में आपने देखा कि परीक्षा तैयारी करवाना बहुत अच्छा काम नहीं होता। प्रोजेक्ट्स दोगे बच्चों को तो उससे वो करके सीखेंगे, जैसे सीटेट का पेपर मैंने कल रात को कह दिया था कि मैं मैथ और साइंस डिस्कस करूंगा, तो आप लोग जो है ऐसे देखना, तो ये आपका प्रोजेक्ट था तो प्रोजेक्ट करने में मज़ा आता है। अब फील्ड ट्रिप का मतलब होता है क्षेत्र भ्रमण, अब आप ही अभी बच्चे से किसी से बोल दो, देखो छोटे बच्चों की साइकोलॉजी समझो, छोटे बच्चों से कहोगे पेपर दो जाके तो बच्चों को अच्छा ही लगता, छोटे बच्चों से कहोगे कि तुम अभिलेखों के आधार पर कमज़ोर हो, उसे अभिलेखों से मतलब ही नहीं होता, लेकिन छोटे बच्चों को कोई भी प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, प्रोजेक्ट मतलब करके सीखना अच्छा लगता है। और दूसरी चीज़ क्षेत्र भ्रमण मतलब अगर घूमते फिरते चिड़ियाघर ले आओगे तो वो जानवरों को ज़्यादा अच्छे समझ पाएगा, बजाय किताब जानवरों की किताब पढ़ के समझे, तो इस हिसाब से यहाँ पर ए और बी दोनों आंसर होंगे। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 50 का हो जाएगा पहला, क्या हो जाएगा 50 का हो जाएगा पहला, ठीक है, सॉरी 50 का ही था ना, ये 50 का हो गया, ठीक है। अब आते हैं 51 पे। रोहित तुम एक क्वेश्चन आगे कैसे चले गए, मैं 50 बता रहा हूँ तुम 51 का आंसर बता रहे हो। चलो ये वाला देखो, अब ये थोड़ा सा आपको टफ लगेंगे, याद रखना पेडागोजी में हमेशा गणित की पेडागोजी बहुत टफ होती है, मतलब अगर बहुत टफ मतलब ऐसा नहीं समझ में नहीं आएगी, लेकिन शुरुआत में गणित की टफ पेडागोजी आपको टफ लगेगी, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ सबसे पहले मैं क्या करूँगा, साइको के कम से कम 3-4 इकट्ठे पेपर समझा दूंगा, ऐसे हिंदी के समझा दूंगा, ऐसे संस्कृत के समझा दूंगा और अंग्रेजी के, तो इससे आपका क्या होगा टेंशन खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम देखेंगे ईबीएस मैथ और साथ में मैथ और साइंस जूनियर के, ठीक है। आते हैं आगे, किस विधि से सिद्ध किया सकता है कि 2 सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। अब देखो यहाँ तो पूर्णांक जब लोगे तभी तो सदैव सम बता पाओगे, तो पहले तो ये समझना होगा कि भाई इसमें कुछ समझने लायक है नहीं, सीधा सा क्वेश्चन के आंसर देना कि कौन का क्या आंसर होगा,
तो अब आप यहाँ देखो कि जैसे आगमन विधि, तो आगमन का मतलब तो होता कि पहले कोई उदाहरण लें और फिर उससे क्या बनाए नियम। तो यहाँ नियम, अब आपको लगेगा कि जब भी मैंने आपसे कहा था कि आगमन विधि सही रहती है, लेकिन यहाँ पे ये क्यों सही नहीं होगी, क्योंकि हमें पूर्णांक सम लेने हैं और फिर सम बताना है। तो देखो आप करोगे क्या, जैसे मैं ही आपको समझाना चाहूँ तो मैं दो पूर्णांक ले लूँगा, 2 + 4, और मैं पूछूंगा फिर कितना आया, 6। तो सम पूर्णांक क्या होता है, जिसका 2 से भाग जाता है। विषम पूर्णांक क्या होता है, जिसका 2 से भाग नहीं जाता है। तो 2 का 2 से भाग जाता है, 4 का 2 से भाग जाता है, 6 का 2 से भाग, मतलब 2 सम पूर्णांकों का योग सम हो रहा है। ऐसे में फिर 6 ले लूँगा और 8 ले लूँगा, और 8 और 6 को जोड़ूंगा तब भी क्या आएगा, 14 आएगा। या मैं 10 ले लूँगा और 14 ले लूँगा तब भी जोड़ोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। मतलब हर कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये सही हो रहा है। इस हिसाब से अगर देखोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपका, एक आगमन विधि है। प्रतिवाद ना समझ में आया तो जस्ट अंग्रेजी देखा करो, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, मतलब हम गलत कंट्राडिक्शन उल्टा सोचने लग जाओ। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, उल्टा, कि माना कि नहीं होता है, जैसे आपने इसे डिडक्शन मेथड कहते हैं, और काउंटर पॉजिटिव प्रूफ। तो याद रखना यहाँ हमेशा ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके लिए छोटे बच्चे, देखो बड़े बच्चे होते तो यही वाला आंसर लगाते हैं, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, लेकिन छोटे बच्चों को ये कंट्राडिक्शन वर्ड तार्किक होता है तो कम समझ में आएगा, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। और सकारात्मक उत्पत्ति से कुछ नहीं होने वाला, ये कोई मेथड ही नहीं होती, आगमन विधि हो सकता है या फिर प्रत्यक्ष। तो छोटे बच्चों किससे समझाएंगे, प्रत्यक्ष से। अब मैं मानता हूँ ये भी क्वेश्चन कोई आपके लिए कठिन होगा, क्योंकि आपको ये वर्ड नहीं समझ में आते थे। आगमन का मतलब तो कोई उदाहरण लेके समझाना, अब इसमें तो उदाहरण ले नहीं पाओ क्योंकि सम पूर्णांक ही लेना है, तो सम पूर्णांकों को उदाहरण 2, 4 ले भी लिए तो आएगा तो उदाहरण 4, 2, 6। तो ये ऑलरेडी नियम है, नियम को सिद्ध करने के लिए या तो डिडक्शन मेथड लगती है, कंट्राडिक्शन मेथड, या फिर आपका प्रत्यक्ष उत्पत्ति। तो छोटे बच्चों को कंट्राडिक्शन मेथड समझ में नहीं आती है, तो यहाँ आंसर क्या हो गया, प्रत्यक्ष उत्पत्ति। चलो आगे बढ़ते हैं, 52 को देखते हैं। 52 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे होंगे, और वो वर्ड है गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहन। अब जल्दी से बताओ क्या नहीं हो सकता। एक बात तो क्लियर है ना कि यहाँ पे कंठस्थ वर्ड नहीं होगा, तो जिस जिस जगह सी आया होगा वो आंसर नहीं होगा। अब तुम खुद ही देख लो कि सी कहाँ कहाँ आया, ये सबसे सरल क्वेश्चन हो गया आपके लिए। याद है देखो हर चीज़ कठिन नहीं होती, 2-3 क्वेश्चन कठिन आए। देखो सी वाला तो नहीं होगा ना, ये तो नहीं होगा। अब सी देखो कहाँ कहाँ है, सेकेंड में है, थर्ड में है और फोर्थ में। तो प्यारे बच्चों बिना कहे सुने इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो अब अच्छा लगने लग गया। तो देखो एक आधी क्वेश्चन कठिन आता, देखो सब बच्चे आंसर देने लग गए कि सर पहला होगा पहला होगा, 2, 3, 4 नहीं होगा, बहुत बढ़िया। अब इतना माइंडसेट हो गया ना, तो समझ लो कि आप 70 नंबर तक पहुँच गए। अगर इतना सब आने लग गया कि कैसे गलत होता कैसे सही, तो समझ लो 70 नंबर आने वाले हैं आपके। अब ठीक है, अब आते हैं 53। देखना बड़े हैं क्वेश्चन और डरना नहीं है इनको देखकर, बस बड़े होते और कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कार्य को विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी। अब पहले तो ये विवेचना वर्ड का मतलब समझ में आए, विवेचना का मतलब होता है यहाँ तार्किक तरीके से सोचना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे हम मनन करेंगे मंथन करेंगे किसी चीज के बारे में। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है कि निगेटिव, यहाँ पे हमें निगेटिव ढूंढना है। अब तुम्हें एक बात और ट्रिक पता चल गई ना, कि हमेशा जब भी क्वेश्चन करना है तो नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढ लो। अब यहाँ देखें जैसे 72 और 73 को समझाना है यहाँ, तो पहला ऑप्शन है 72 को 73 को 3 विभिन्न तरीकों से हल करके उनके परिणामों की तुलना कर सकते हैं। तो ये कोई गलत बात तो लग नहीं रही है, लिख रहा है अगला समीकरण 7x + 3 = 24 का जो आंसर है आपका, कोई 2 स्थितियों को सूत्रबद्ध कीजिए। एक विद्यार्थी ने एक लंब वृत्तीय वेलन लिया, 3.5 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है, ऊंचाई 10 है, आयतन इतना है, उसने कहाँ गलती करी। और एक क्वेश्चन है एक लंब वृत्तीय वेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताओ प्यारे बच्चों आपको क्या लग रहा है, न्यूनतम होगी। अब देखो और थोड़ा सा मैं सरल शब्दों में समझाऊँ, देखो आप साथ क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं दूसरे नहीं, अब यहाँ शब्द थोड़ी ना देखने हैं कि आपको लगा हुआ फॉर्मूला तो दूसरा आंसर होगा 53 का। सलमान कह रहे हैं कि सर एक्चुअली उसमें सूत्र आया है 53 में, पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नहीं समझे आप सब लोग। देखो क्वेश्चन ये कहता है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं नीचे करके पहले समझा दूँ, ये कहता है कि ये जो 4 क्रियाकलाप है, एक में कहा गया कि 72 × 73 को 3 विभिन्न तरीकों से हल करिए, ये एक सवाल है 7x + 3 = 24 को 2 सूत्रों से सॉल्व करिए।
मतलब इनमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगना है, कोई एक तरीके से बच्चा हल कर देगा। क्वेश्चन ये है, 50 तरीका अगर मैं आपके शब्दों में बोलूं तो क्वेश्चन ये है कि बताइए इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बच्चे का एक ही तरीके का दिमाग लगेगा, एक से ज्यादा तरीके का दिमाग नहीं लगेगा। इसी को बोलते हैं विवेचनात्मक विचार। मतलब एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके होते हैं, तो अगर एक क्वेश्चन को आप एक किसी ट्रिक से या फॉर्मूले से करवा रहे हो तो वो विवेचना नहीं हुई, लेकिन किसी एक क्वेश्चन को कई सारे तरीके से करवा रहे हो तो वो क्या कहलाएगी? विवेचना। तो यहाँ क्वेश्चन में आप बताइए कि किस में विवेचना है, मतलब विवेचना नहीं है, कोई एक तरीका है। प्रभाकर तिवारी ने ऑप्शन का आंसर सही दिया, 53 का 4। देखो यहाँ कितने तरीके हैं, 3 विभिन्न तरीके, ऐसे भी सोच लेते। यहाँ कितनी स्थितियां हैं, 2। देखो सूत्र तो है लेकिन कितनी स्थितियों को देखकर, 2 को। और यहाँ पे भी देखो उसने कहाँ गलती करी, तो सब बच्चों के आंसर कई सारे हो सकते हैं कि नहीं, तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। लेकिन जब चौथे पे आओगे तो यहाँ क्या कह रहा है कि भाई आयतन ज्ञात करो और कोई तरीका कितने तरीके से करना, ऐसा कुछ नहीं पूछा, बस उसने एक लाइन लिख दी। तो यहाँ पर विवेचना नहीं हो पाएगी और इसी वजह से आपका ये, चूंकि ये तीनों सही हैं और ये गलत है, इसीलिए यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, एक ये क्वेश्चन क्यों गलत हो गया, क्योंकि आपको विवेचना शब्द नहीं मालूम था। ये प्यारे बच्चों क्यों गलत हो गया, क्योंकि आपको क्या नहीं मालूम था, विवेचना शब्द नहीं मालूम था। चलते हैं आगे और देखते हैं आगे की चीजें। चलो ये और आसान लगेगा, जल्दी बताओ। कोई बात नहीं, गलत हो गया, कोई बात नहीं। 54 देखो, एनसीएफ 2005 के अनुसार सभी के लिए गलत उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है? अब संरेख का मतलब मिलता जुलता, संरेख वर्ड का मतलब क्या होगा यहाँ पे, मिलता जुलता है, मतलब गलत सबके लिए है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये वाली बात कही गई है, मतलब हमें कैसा आंसर चाहिए, पॉजिटिव आंसर चाहिए, ठीक है? तो अब देखते हैं ऑप्शन में, देखो जल्दी से बताओ। ये है ऑप्शन आपके सामने, पहला है यह मान लिया जाना चाहिए कि गणित कम है तो कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए है, पाठ पुस्तक में सम्मिलित प्रश्न केवल सामान्य कठिनाई वाले। और देखो अब यहां से तुम अपना आंसर हिट करने लग जाओगे, भाई केवल वाला तो होगा नहीं, और गणित में निपुण विद्यार्थियों को एकाकी पर अकेले शिक्षा देना चाहिए, जबकि आपको मालूम है हर जगह क्या आता है बात कि बहुभाषी शिक्षण होना चाहिए, सबको मिलजुल कर पढ़ना चाहिए, तो ये वाली का गलत हो गई। अब या तो बचा पहला या फिर क्या बचा तीसरा, तीसरा क्या, विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न सामाजिक समूहों, तो पहले और तीसरे में ज्यादा बेटर कौन लग रहा, तीसरा। आप सबका आंसर सही हो गया। तो देखिए जैसे गणित में 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप ये पा रहे होंगे, 2 या 3 क्वेश्चन कठिन मिले तो 5 से 6 क्वेश्चन सरल भी मिलेंगे। अब देखो 55 भी सरल होगा, कहता है कि कच्चा कच्च को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है, बताइए जल्दी। पटपन का बताइए जल्दी आंसर। देखो अभी अभी एक क्वेश्चन किया था, बहुत बढ़िया, अभी अभी एक क्वेश्चन किया था, इसमें हतोत्साहित वर्ड तो हो नहीं सकता, और मैथ तो नहीं अनिवार्य रूप से गलत, एक मूर्त विषय है, तो मूर्त विषय नहीं है गलत, कैसा विषय, अमूर्त है। क्यों? अमूर्त शब्द का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था, तर्क। गणित बिना तर्क के लग सकता है क्या? तो ये बात ही गलत लिखी। यार ना कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि गणित की प्रकृति क्या है, तो आप यार ना गणित की प्रकृति कैसी है, तार्किक है या अमूर्त है। अब बच्चे तीसरे और चौथे, आपको मालूम ना विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित, अभी अभी करा था ऐसा क्वेश्चन, निगेटिव था तभी तो आंसर नहीं आता। और ये जो चौथा है इसमें लिखा है कि चरणों को कुशल बोर्ड पर निरूपित करना चाहिए, मतलब टीचर अगर अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व लिख के दिखा देता तो क्या माना जाएगा कि गलत आपको, वो तो टीपना हो गया आपका। तो चौथे का मतलब टीपना है इसलिए गलत हो गया, पहला इसमें मूर्त नहीं, अमूर्त होता ये हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, तो बचा गया तीसरा। रजनी वर्मा हेलो सर, हेलो, आगे चलो। 56 देखो जी से बताओ,
बताइए 56 का आंसर क्या होगा। यह है आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। प्रारंभ में एक घन के आयतन को सूत्र को लिखना, प्रारंभ से ही सटीक प्रकलन को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को प्रारंभ में दो विमा वाली आकृतियों के आयतन की जानकारी देना, विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के प्रकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना। तो बताइए क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों। आ रही है तुम्हारी कमेंट, तो 56 का आंसर आई होप कि सबको सही सही पता चल चुका है। अब मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थी विभिन्न आकृतियों के आयतन के हेतु प्रयास, देखो विभिन्न वर्ड आ जाएगा तो ये वर्ड अच्छा होता है। सटीक प्रकलन याद रखना, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेसी अच्छी बात नहीं है। इनकरेज प्रिसाइज कैलकुलेशन, प्रारंभ के घन के आयतन सूत्र तो ये गलत हो गया। दो में आयतन की जानकारी देने, इस ये भी सही था, मतलब ये तो सही था, लेकिन इससे बेटर आंसर कौन सा है, चौथा। तो आई होप कि ये भी, अब देखो शुरुआत में दो तीन क्वेश्चन टफ थे, लेकिन उसके बाद सारे क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, सरल। अब फिर से आप देखो, भले इसने प्याजे लिख दिया तो तुम्हें प्याजे पे ध्यान नहीं देना है। कहता है कि प्याजे के अनुसार दिक स्थान, अब ये दिक स्थान क्या होता है, एक तरीके से देखो यहाँ पे स्पेस मतलब जगह, 2D 3D जगह होती है, जैसे ये एक्स और वाई, ये क्या है 2D स्पेस हो गई, दिक स्थान हो गया। और अगर एक्स वाई और जेड, ये कैसा हो गया 3D स्पेस हो गया, मतलब कि दिक स्थान हो। तो दिक स्थान मतलब कुछ नहीं, दिक स्थान का मतलब होता है प्यारे बच्चों, दिक स्थान का मतलब होता है आपका स्पेस। दिक स्थान का मतलब क्या होता है, स्पेस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला है ज्यामितीय बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है। ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, ना कि तर्कसंगत क्रम में। बच्चों में दिक स्थान की प्रारंभिक समझ उनके ज्ञानेंद्रिय प्रेरक अनुभवों से उत्पन्न होती है। प्रक्षेपित दिक स्थान को समझने के लिए विभिन्न दृश्य और स्पर्शी अनुभवों को तालमेल की आवश्यकता होती है। अब मुझे बता दो आपको कौन सा सही लग रहा है, वही आंसर सही हो जाएगा जो आप बता दोगे। अब देखो आपको तो ये लग रहा होगा कि सबसे बढ़िया बात है, मतलब सबसे बढ़िया बात है आपका चौथा आंसर, है ना। सबका आंसर 57 का क्या होगा, चौथा, क्योंकि ये बड़ा भी है और ये भी है। लेकिन इनमें से कुछ बच्चे कह रहे हैं तीसरा, कुछ बच्चे कह रहे हैं दूसरा, मतलब ये क्वेश्चन अपने आप पता चल गया कि तीसरा है। अच्छा आपको यहाँ पहली बात तो ये समझ में नहीं क्या सही नहीं है। देखो पहले पूछा क्या है, बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते, हमें पूछा क्या, नेगेटिव आंसर पूछा है प्यारे बच्चों, और चौथा तो बहुत बढ़िया आंसर है। तो पहली बात तो चौथा है तो सही, लेकिन चूंकि नेगेटिव पूछा इसलिए गलत हो गया। अरे बताओ यार, सबके सब 57 देखे, बड़ा देखे, आंसर बताने लग गए, लेकिन जरा सा ये नहीं सोचा कि नेगेटिव है। अब नेगेटिव देखो, ज्यामिति बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती, तो ये गलत बात तो नहीं लग रही। ज्यामिति बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, अब यार ये बताओ क्या गणित का कभी कोई इतिहास होता है, गणित में तो लॉजिक होते हैं, कोई इतिहास तो होता नहीं है। और बच्चों में प्रारंभिक समय उनके ज्ञान प्रेरक अनुभवों से उत्पन्न होती है, तो ये भी सही लग रहा, ये भी सही है, चौथा तो और सही है, पहला भी सही है, हमें पूछा क्या था नेगेटिव, और नेगेटिव है कौन सा, ये वाला, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। अब बताओ बच्चों आप लोग क्या बिल्कुल जोश में आ जाते हो भाई, ये कमेंट करके बताओ मुझे कितने बच्चों ने ये नहीं वर्ड ना देखने की वजह से गलत हुआ है, नहीं ना देखने की वजह से, आप कमेंट में मेरा लिखिए, मैंने नहीं नहीं देखा इसलिए गलत हो गया, जल्दी से बताओ। 57 का आंसर सही क्या है प्यारे बच्चों, ये गलत है, बाकी सब सही है, क्योंकि गणित कोई इतिहास का विषय वस्तु नहीं है, लॉजिक का विषय वस्तु है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये और ये सही थे, और चूंकि नहीं पूछा है, नेगेटिव पूछा है, तो इसी वजह से ये आंसर प्यारे बच्चों हो गया, यही सही है। रमन कुमार का सही गया, जी सर नेगेटिव नहीं देखा। देखो अब आप ये बार बार गलती ना करो, देखो मैंने आपसे क्या कहा, इतनी जल्दी नहीं मचाओ। क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन तो किसी ने नहीं समझा, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, नेगेटिव, ठीक है। रुचि ठाकुर का गलत, रूही ठाकुर का गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा, गलत हो गया तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो कहा था ना कि 57 तक आए, 48 से लेके, तो 10 क्वेश्चन हो गए, 48 को साथ में जोड़ोगे अगर तो 57 तक 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैथ का क्वेश्चन आ गया, 59 मैथ का क्वेश्चन आ गया, 60 मैथ का आ गया, इस हिसाब से ना आंसर होगा, ना आपका ये होगा और ना आपका ये होगा,
तो 58, 59 और 60 आंसर आपके, मतलब सॉरी मतलब थ्योरी क्वेश्चन है, मैं इनको बाद में समझाता हूँ। अब देखो एक चलो ट्रिक बता देता हूँ, मजे आएंगे आप। जैसे ये क्वेश्चन है तो जब आपको मैं प्राइमरी पढ़ाऊंगा तभी ये सॉल्व हो जाएगी, बहुत सॉल्व प्रश्न है। जैसे 57 तो छोड़ो, पहले ये देखो 59 आठ अंकों वाली संख्या है, 3 3 0 x 0 8 6 7 y, 88 से भाग जाना चाहिए। तो 88 से भाग जाने का मतलब है 11 और किससे भाग जाना चाहिए, 8। तो कहता है कि 3x + y का मान क्या होगा, तो पहली बात तो y का मान वो होना चाहिए जिससे 8 का भाग जाए, तो y के मान में 0 2 4 6 8 ऐसे अंक आएंगे। तो थोड़ा सा इसे डिटेल में समझाना पड़ेगा, मैं इकट्ठा समझा दूंगा है ऐसे। ये 60वां जो क्वेश्चन है इसकी एक ट्रिक बना सकते हो कि भाई देखो जैसे यहाँ देखो तो जब भी गुणा, अब चलो बाद ही में बताएंगे तब अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि इसमें फिर टाइम खराब होता है। ठीक मेरा सही है सर, नहीं देखा था रविकांत, मुझे क्यों नहीं समझाया नेहा भदौरिया, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आया ये मैं कैसे बता पाऊंगा, ये तो तुम्हें ही बताना होगा तुम्हें क्यों समझ में नहीं आया। चलो फिर आप मैथ के 10 क्वेश्चन हो गए, आई होप कि कम से कम मैथ में अभी शुरुआत में आपके कंक्लूजन निकालूं, तो मैथ में कम से कम कितने क्वेश्चन आ रहे होंगे, 5 क्वेश्चन तो सही गए होंगे कि नहीं गए होंगे, जल्दी बताओ मैथ में 5 क्वेश्चन किसके सही, 10 क्वेश्चन थे तो 5/10 तो कम से कम नंबर किन किन बच्चों के आए जल्दी बताओ, फिर आगे साइंस स्टार्ट करें। नीलम के 10 में से 4 सही है, अब आगे से थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा तो और आने लग जाएंगे। इजना के 6 हैं, प्रभाकर के 6 हैं, ऋतु के 5 हैं, नेहा यादव के 6 हैं, अगर 6 आ रहे हैं वो भी जूनियर की पेडागोजी में, तो सोचो पेडागोजी ही तो नहीं कोई पढ़ा पाता है, मैथ तो बहुत सरल, अभी प्राइमरी मैथ पढ़ोगे तो आधी मैथ प्राइमरी की ही जूनियर की मैथ है, बस आपको एलजेब्रा और पढ़ाना होगा। नेहा आर्या के 3 गलत हुए, 4 सही हुए, सुचित्रा के 4 हैं, मतलब लगभग सबका स्कोर 5 के आसपास तो है, या तो किसी के 6 नंबर हैं या फिर 4। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ये क्या कहता है 61, एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है, तथा अब जैसे आपने ये देखा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो आपको समझ में आ गया ये कैसा क्वेश्चन, जल्दी बताओ मुझे 61 थ्योरी है कि पेडागॉजी, जल्दी बताओ। हर्ष कुमार तुम्हें लगता है कि समझ में नहीं आ रहा कुछ, 15 क्वेश्चन तो है भी नहीं तुम्हारे, 15/15 आ कैसे गए। थ्योरी का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बच्चों, मैं जानना चाह रहा था कि आप सब सुन रहे हैं मेरी आवाज की नहीं, तो 61 तो नहीं करेंगे, 62 देखो थ्योरी का, 63 थ्योरी का, एक दिन और समझा था, 64 थ्योरी का, 65 थ्योरी का, 66 देखो शकल देख के हमें पहचान लेना होता है कि थ्योरी का कि पेडागोजी का, अपने आप पेडागोजी क्वेश्चन अलग, जैसे कि पटका रबड़ की पेटी तो ये 67 भी थ्योरी, 68 थ्योरी, 69 थ्योरी, 70 थ्योरी, 71 थ्योरी, 72 थ्योरी आपका सही कथन, 73 गलत कथन पहचानिए थ्योरी, 74 थ्योरी अंगला, 75 थ्योरी, देखो जैसे पृथ्वी गति, जहाँ नॉलेज की बात है समझ लो वो थ्योरी का, समतल दर्पण आ गया तो थ्योरी का है। अब देखो जहाँ से 77 से आपका फिर से स्टार्ट होता है, अब देखो 77 से आगे 10 क्वेश्चन चलोगे तो लगभग लगभग आपके 86 तक होंगे, तो देखो ये चेक करेंगे कि 10 क्वेश्चन होते नहीं होते हैं। चलो 77 पे चलें, बहुत बढ़िया सलमान, 77 है पेडागोजी का क्वेश्चन, ठीक है तो चलते हैं 77 पे, जल्दी बताओ ये तो क्वेश्चन सरल लग रहा होगा आपको। अब देखो पहले ये देख लेना कि क्या पूछा गया है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, जल्दी बताओ ये कैसा है क्वेश्चन, अरे जल्दी बताओ यार 77 का पहला, भैया देख लो एक बार फिर से, टावा प्रोडक्शन, काहे का प्रोडक्शन खोले हो तुम, बहुत बढ़िया, अगर नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा, सुबीर राठौर पहले पेडागोजी तो कर लो, यह तो दिया थ्योरी बताएंगे एक साथ सब बता दें क्या। देखो यहाँ बच्चों को ये डाउट है, या तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि अब देखो ऐसे ही गलत होता है,
ये तो पक्की बात है कि नेगेटिव आंसर में ये वाला तो, ये तो सही आंसर है, ये भी सही आंसर है, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय सम। अब कुछ बच्चों को ये सही लगेगा और कुछ बच्चों को ये वाला सही लगेगा। अब आपको इन्हीं में से बताना है कि इन दोनों में कौन सा आपका सही है। तो बताइए 77 का, या मैं गलत बता रहा हूँ? थोड़ा सा मैं देखूँ एक बार, ये भी हो सकता है क्योंकि आपको ये तो साइंस इज इक्वलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट्स, आंकड़ों के, थोड़ा सा अंग्रेजी में देखो तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। टू अ सेट ऑफ फैक्ट्स मतलब कि तथ्यों का समुच्चय है 77। अब देखो ये क्वेश्चन वो है जिससे एग्जामिनर जो पेपर सेटर था वो आपके दिमाग से खेल गया। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में पेपर सेटर आपके किससे खेल गया है? दिमाग से खेल गया। अब ये कैसे खेल गया देखना। देखो एक बात अब मैं उदाहरण से समझता हूँ ताकि आपको समझ में आए। पहला तो ये है कि साइंस इज इंटर डिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, विज्ञान ये जो अंतः विषय होता है इसका मतलब होता है कि इसके लिए गहरी समझ होना जरूरी है। अंतः विषय का मतलब समझ लेना गहरी समझ, मतलब चीज़ें तार्किक होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं। जैसे आपको मानव के हृदय को समझना है तो कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप मानव के हृदय को जल्दी समझ लोगे। तो ये तो सीखने का अंतः विषय क्षेत्र, ये तो सही है। अब देखो दूसरा, बहुत सारे बच्चे नेगेटिव बता रहे थे, इसे देखते हैं पहले। तो ये तो पहला तो सही था। अब दूसरा, विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। अब तुम ही बताओ यार, पहले बहुत सारे ऐसे सिद्धांत थे जैसे कि ग्रह के बारे में बात थी तो बोले ग्रह 9 है, अब आज की डेट में कितने? 8। पहले जो आपके धातुओं संख्या थी कुछ और थी, फिर आज की डेट में धातुओं संख्या कुछ और हो गई है। तो आपने देखा होगा समय के साथ कई सारे सिद्धांत बदलते रहते हैं। तो हमेशा याद रखना ये जो विज्ञान के सिद्धांत है वो कभी स्थायी नहीं होते हैं। जैसे सबसे पहले माना गया कि परमाणु सबसे छोटी इकाई है, फिर और अध्ययन किया गया तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐसे बातें बताने लग गए। हमने देखा कि कोशिका सबसे छोटी इकाई है, फिर उसके और अंदर चले गए। तो हमेशा साइंस कभी स्थायी नहीं होता, हमेशा चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसे आज आप स्मार्टफोन से सीख रहे हो, कल किसी और चीज़ से सीखोगे। तो विज्ञान हमेशा कैसा? अस्थाई। आपको अस्थाई वर्ड गलत लगा, लेकिन विज्ञान के मामले में अस्थाई कैसा, ये सही है। तो दूसरा भी क्या हो गया? सही। अब आते तीसरा, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। तो आपको ऐसा लगेगा यार कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि विज्ञान संदेह, मतलब गलत है कि विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देगा। अब आप ही बताओ, चूंकि आप वैज्ञानिक युग में जी रहे हो तो अभी कोरोना वायरस आ गया तो संदेहवाद को बढ़ावा दिया कि नहीं दिया? मतलब अब जरा सी छींक आ जाए तो आपको लगने लग जाता है कि यार कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। खांसी आ गई, हल्का सा बुखार आ गया तो आपको लगता ही नहीं लगता कि कोरोना तो नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि अब आपका जो सोच है वो वैज्ञानिक है। जरा से सिम्टम दिखे कोरोना के, भले ही कोरोना ना हो तो लगता है कोरोना है। तो हमेशा रखना, चूंकि ज्ञान हो चुका है विज्ञान का, तो किसी भी चीज़ पर हमें संदेह उत्पन्न हो जाता है। जैसे भाई न्यूटन ने अगर संदेह ना किया होता कि भाई ये जो सेब है वो नीचे क्यों गिरता, ऊपर क्यों नहीं जाता, तो फिर वो न्यूटन अपने गति के 3 नियम दे पाता क्या? तो प्यारे बच्चों ये सब उल्टा पुल्टा है, मतलब कितना बढ़िया क्वेश्चन रखा, सबको गलत करवा दिया उसने, इतना दिमागदार होता पेडागोजी। तो तीसरा भी सही क्वेश्चन है। अब चौथा आओगे तो चौथा कहता है तथ्यों का समुच्चय। ये हिंदी ज्यादा समझ में नहीं आएगी, तो यहाँ देखो सेट ऑफ फैक्ट्स मतलब आंकड़ों का समूह है। सेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब क्या होगा? विज्ञान आंकड़ों का समूह है। तो आप ही बताओ क्या विज्ञान आंकड़ों का समूह है, मतलब फैक्ट्स का समूह है? कई सारी चीज़ों का कलेक्शन पढ़ लेना ही विज्ञान है, क्या उसमें फिर दिमाग नहीं लगाना है, क्या उसमें सोचना नहीं है? तो विज्ञान हो चाहे गलत, उसकी प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है। तो प्यारे बच्चों सब बच्चों का ये गलत हो गया होगा, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के क्या है? समतुल्य। मतलब याद रखना सेट ऑफ फैक्ट्स नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स से बढ़कर है, इसमें लॉजिक्स है, इसमें चीज़ें हैं। तो प्यारे बच्चों बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन था, सबका गलत हुआ होगा, और आप यहीं से जान लो कि सीटेट के पेपर में यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर लोग फेल होते हैं तो उसी वजह से कि उनकी प्रकृति तार्किक नहीं है। हमें शब्दों को तो देखना, लेकिन ये भी देखना कि ये कैसे। अब चलो ये तो समझ में आया हो ना, आपको ये बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के कि ये क्वेश्चन आपको सबसे बढ़िया लगा कि नहीं लगा, मतलब सबसे गलत करवा दिया। सबको लग रहा होगा दूसरा तीसरा, और निकला जाके कौन सा? चौथा। और जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आ गया होगा आई होप। सौरभ यादव का सही है, बहुत बढ़िया बात है और अच्छी बात है, ठीक है।
ऑलमोस्ट सभी का गलत हो गया, एक्सप्लेनेशन से समझ में आया ना चौथा क्यों सही है, क्योंकि चौथे में एक बात लिखी है भाई, विज्ञान आंकड़ों का समूह है, तो आंकड़ों का समूह थोड़ी ना है, कुछ सांख्यिकी विषय थोड़ी ना है विज्ञान। विज्ञान कैसा है, तार्किक है, इसमें लॉजिक्स लगते हैं, इसमें अंतः विषयी प्रकृति है। ये संदेहवाद को क्यों बढ़ावा देता है, क्योंकि भाई हर चीज़ पर हम शक करने लग जाते हैं, हाथ नहीं धोए तो लगा कोरोना तो नहीं हो जाएगा, हाथ धो लो, या किसी भी चीज़ को, तो संदेहवाद को नहीं बढ़ावा दे रहा है। और विज्ञान हमेशा कैसा होता है, अस्थायी होता है। चलो प्यारे बच्चों 77 हो गया, अब बढ़ते हैं 78 पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए, विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ, बच्चे के प्रति निष्ठ, वातावरण के प्रति निष्ठ या कक्षा। अब ये तो कम से कम बता ही लोगे, जल्दी बताओ 78 का बताओ, 77 का तो 4 हो चुका, 78 का बताओ। बहुत बढ़िया, देखो आप कमेंट बॉक्स से ही पता लगा सकते हो कि आंसर बच्चों को समझ में आ जाता है। हमने देखा कि कोई भी शिक्षा हो भैया छोटे बच्चों के हिसाब से होना चाहिए, शिक्षक के प्रति तो नहीं निष्ठ होना चाहिए, वातावरण और संस्कृति ये सही थे, लेकिन ज़्यादा अच्छा आंसर कौन सा होता, हमेशा रखना कि NCERT 2005 कहती है कि शिक्षा कैसी होना चाहिए, बाल केंद्रित, और बाल केंद्रित का मतलब ये है प्यारे बच्चों बच्चे के प्रति निष्ठ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बच्चे के प्रति निष्ठ, मुझे लगता है सबको बन गया होगा ये। अब आते हैं 79, जल्दी बताओ। अब देखो गणित से ज़्यादा आसान है ना साइंस की पेडागोजी, जल्दी बताओ, क्योंकि गणित में हमेशा जो गणित वाला बंदा है ना जो पेपर सेट करता है वो वैसे ही विद्वान होता है, गणित वणित के टीचर होते तो इंटेलिजेंट हैं, तो वो आसान पेपर बना ही नहीं पाते, वो सोचते हैं थोड़ा सा और टफ किया जाए और टफ किया जाए। तो चाहे प्राइमरी की पेडागोजी लेना या जूनियर की, कंपेरेटिव रूप में देखो तो सबसे ज़्यादा पेडागोजी टफ किसकी लगेगी आपको, मैथ की, ठीक है। तो जल्दी बताओ 79 का आंसर। फिर एक विज्ञान पाठचर्या में कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। अब देखना यहाँ पे वर्ड है, आपको क्वेश्चन तो समझ में आई नहीं, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या का मतलब था सिलेबस, कौन सी वैधता की संतुष्टि, अब नहीं जब समझ में आकर थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ लिया करो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटी जो अपर गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाय एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें विज्ञान को ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है और एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट भी करवाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। अब देखो आपको मैंने कुछ वर्ड बताए थे कि ये जो 79 का पहला है संज्ञानात्मक, तो ये जो संज्ञानात्मक इसका मतलब तो होता है समझ, ऐतिहासिक तो बिल्कुल नहीं होगा, अभी अभी मैंने कहा था ना इतिहास कुछ नहीं होता, पर्यावरण संबंधी तो ये हो सकता है, लेकिन भैया ये जो क्रियाकलाप और प्रयोग होते हैं ये क्या है, समझ तो है नहीं, पर्यावरण का इससे कोई लेना देना, ये क्या है, प्रोसेस है, प्रक्रियात्मक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 79 का 4। अब ये बहुत सारे बच्चों ने तीसरा भी बताया चौथा भी बताया, तो पर्यावरण संबंधी भी हो सकता था, लेकिन विज्ञान सिर्फ पर्यावरण से नहीं सीखते, अपन दिमाग से भी सीखते हैं, हमें प्रोजेक्ट भी करना पड़ता है, काम करके सीखना पड़ता है, केमिस्ट्री के रिएक्शन देखने हैं तो पर्यावरण में तो नहीं देखेंगे, उसके लिए हमें लैब में जाके काम करना होगा, इसलिए विज्ञान जो है वो प्रोसीजर मेथड है। हमेशा रखना कि कोई भी विषय हो चाहे गणित चाहे विज्ञान, वो एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट से सीखा जाता है, इस बात को याद रख लो, और ये जो एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट है वो क्या कहलाएंगी, प्रोसेस कहलाएंगी, इस वजह से आपको ये गलत हो। हाँ ये मानता हूँ कि ये एक नंबर क्वेश्चन नहीं है, कैसा क्वेश्चन था, 2 नंबर, 3 नंबर भी नहीं मानूंगा, मतलब एक हद तक आप पहुंच गए लेकिन थोड़ा सा गलत होगा, जैसे बहुत सारे बच्चे या तो तीसरा बता रहे थे या चौथा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं फिर से बता देता हूँ, इसका आंसर है प्रक्रियात्मक प्रोसेस, एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट मतलब प्रक्रियात्मक एंड प्रोसेस, ठीक है। तो चलते हैं आगे 79 के बाद, अब आते हैं कहाँ पे, 80 पे। तो देखो फिर से अब बड़ा सा आ गया, तो डरना नहीं है, क्वेश्चन समझना है। देखो कहती है कि एक अच्छा 8 का बच्चा है, तो 8 का बच्चा मतलब समझ गए ना कितना साल का होगा, लगभग 12, 13, 14 साल का, ठीक है, लेकर जाती है, इसमें से क्या सबसे अधिक उपयुक्त तो उद्देश्य हो सकता है। तो देखो बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, और आपका ये तो अच्छा लग रहा है ना, अंतःक्रिया अच्छा वर्ड होता है हमेशा, तो है ये पॉजिटिव आंसर हो सकता है, गलत तो नहीं है। यह ठोस अनुभवों के द्वारा, देखो ठोस का मतलब होता है प्रत्यक्ष अनुभव, जैसे भाई कहते हैं प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, अगर आपने एक बार देख लिया कि भैया धुआं में रहने से आपकी दम घुट रही, तो आगे हमेशा याद रखोगे ना कि धुआं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसी वजह से दम घुट रही होती है,
तो ठोस अनुभव काम आते हैं। बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है, मतलब उन्हें जांचने और परखने में मदद करेगा जब शैक्षिक भ्रमण पर ले आओगे। जैसे आप एक तालाब में ले गए और बायोलॉजिकल चीज़ें समझाना चाहते हो कि इसमें देखो मछली है, इसमें आपका हरित शैवाल है, कवक है, कैसे काम करते हैं, तो ज़्यादा अच्छे समझना। और ये एक शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है, तो लय को तोड़ता नहीं बनाता है। टीचर और स्टूडेंट एक साथ जाएंगे तो डी वाला नहीं होगा, ऑप्शन में देखो डी कहाँ का है। इसमें एक तो कंफर्म है कि ये गलत, देखो मैंने गोले लगाए, मतलब ये मैं नहीं कह रहा गलत है या सही, मुझे समझ में नहीं आ रहा, गलत भी हो सकता सही, लेकिन गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन चौथा वाला तो बिल्कुल गलत है। अब जहाँ जहाँ डी होगा वो आंसर नहीं होगा, तो तीसरा तो नहीं हो सकता। अब आप देखोगे तो एक जगह है ए बी सी, एक जगह बी सी और एक जगह ए बी, ए और सी है, लेकिन देखो ए बी आपको सही लग रहा होगा, बी भी सही लग रहा होगा, सी भी सही लग रहा होगा। और हमेशा जब कन्फ्यूजन हो जाए तो कोशिश किया करना, ये क्वेश्चन आपको पूछने के लिए नहीं होते, ये आपको बताने के लिए होते हैं। तो ऐसे मामलों में अधिकतर बार ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन वाले सही होते हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि जब भी उपर्युक्त तो सभी आया करे, तो उपर्युक्त सभी आंसर होगा। तो ईसा सिंह यहाँ तीसरा नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका ए बी सी, तीसरा तो गलत होगा क्योंकि उसमें डी आया है और डी तो गलत है। ठीक है, 80 का पहला ए बी सी, आई होप कि अब सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चले आएंगे, अब समझ में आ गया। और हमेशा ऐसे क्वेश्चनों का आंसर ज़्यादा वाले ही होते हैं अधिकतर बार, ये भी बात याद रखना। अब जल्दी से देखो 81 क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ पॉजिटिव पूछ रहा है कि नेगेटिव, कोई बात नहीं। जल्दी बताओ आंसर, अगर नेगेटिव पूछ रहा तो क्या होगा, विज्ञान का उद्देश्य क्या नहीं होगा, प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बहुत सही आंसर है, सबसे अच्छा ये आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर। भैया परिभाषाओं पर बल दोगे क्या, सबको एक नंबर क्वेश्चन है, सबका ही बन रहा होगा ये वाला। सौरभ यादव तुम एक्स्ट्रा दिमाग चलाना। 81 का सेकंड कैसे हो जाएगा, जीवन के प्रति झुकाव, सहभागिता के मूल्यों का विकास। आप चौथे में देख लो, परिभाषाओं पर बल थोड़ी ना दोगे, मेरी ट्रिकें काम कर रही नहीं कर रही है भैया, क्वेश्चन समझ में ना आए, ऑप्शन समझ में ना आए, शब्द देखो और आंसर टिक कर दो। बहुत बढ़िया, कंचन भदौरिया भी है अभी चौथा आंसर। 82 देखो, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है, बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ पुस्तक को पढ़ने के लिए कहना। अब देखना बढ़ावा मिलेगा पाठ पुस्तक पढ़ने से, अधिगम विस्तार को पढ़िए, देखो कितना सरल क्वेश्चन है, समूह में आपस में चर्चा और पुराने बड़े समूह साझा करने के ना, शिक्षक के द्वारा प्रयोग करो। देखो इसमें गलत कुछ भी नहीं है, अगर बहुत गलत है तो बस ये वाला, इसके अलावा ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है और ये भी बढ़िया है, तो जब सब बढ़िया हो तो कौन सा बढ़िया लगाना है, जल्दी बता दो यार। 82 का, जब सब बढ़िया होते तो प्यारे बच्चों क्या लगाना होता है, थर्ड आंसर लगाना होता है, क्योंकि ये बड़ा है और अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जहाँ पे भी चर्चा वर्ड आ जाए वो सबसे अच्छा आंसर होता है, तो इसलिए ये वाला आंसर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया प्यारे बच्चों? ठीक है, अब जो जहाँ सही आंसर आता है वहाँ जल्दी से बच्चों कमेंट आते हैं, और जहाँ गलत आंसर होने से आंसर रहते हैं वहाँ बच्चों कमेंट आते नहीं हैं, मतलब आप लोग बचते हो कि भाई बताना ना पड़े कि मेरा गलत हो गया। बेटा यहाँ गलत हो चाहे सही, आप ज़रूर आंसर दिया करो, इससे आपको ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है, उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, देखो एक मंड मतलब समझ तो रहे होंगे आप, मंड का मतलब ये इधर देख लो, अंग्रेजी देख लिया करो, डेमोस्ट्रेटिंग द केमिकल टेस्ट ऑफ स्टार्च, स्टार्च का मतलब आलू पाया था स्टार्च, वही मंड है। ठीक है, स्टार्च का परीक्षण कर रहा है, गिवन सैंपल ऑफ फूड, आपको मालूम है रेड कलर ये सब हो जाते हैं, तो कॉग्निटिव प्रोसेस एसोसिएटेड विद द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव स्टेटमेंट इज, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रख लो ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बारे में पूछा, मतलब समझ के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है, समझ के बारे, संज्ञान माने क्या होता है समझ, ये तो बात याद ही हो चुकी होगी। अब 83 में आप ये देखो कि समझ कहाँ है देखो सृजनता का मतलब समझ नहीं होता, सृजनात्मक का मतलब तो बहुत कुछ होता है, विश्लेषण करना मतलब तर्क लगाना, तो यहाँ तो समझ की बात कर रहा है, और बोध करना का मतलब जरूर यहाँ पे क्या होता है समझ, और अनुप्रयोग करना मतलब ये कि रेखांकित शब्द में प्रदर्शन,
इस वर्ड को देखो, आपने क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो रेखांकित शब्द है इसका मतलब क्या है, तो बताइए प्रदर्शन करने का मतलब क्या है। सृजन करना नहीं, प्रदर्शन का मतलब सृजन करना नहीं होता, विश्लेषण करना मतलब तो लेक्चर देना होता, बोध करने का मतलब समझना होता है, तो सही आंसर क्या होगा, अनुप्रयोग करना। तो देखो क्वेश्चन तो पूरा उल्टा हो गया प्यारे बच्चों, ना हमें स्टार से मतलब होना चाहिए था, ना कुछ सिंपल सा इतना पूछ रहा था कि प्रदर्शन अगर आप किसी चीज़ का कर रहे हो तो ये क्या होगा, ये सृजन करना नहीं होगा, ये विश्लेषण करना नहीं होगा क्योंकि इसमें तर्क आ जाएंगे, और बोध करने का मतलब समझना होता है, लेकिन यहाँ संज्ञानात्मक प्रक्रिया तो है, लेकिन प्रदर्शन का अर्थ ज़्यादा अच्छा क्या होगा, अनुप्रयोग करना, अप्लाई करना। अगर किसी चीज़ को आप अपनाओगे तो फिर आपका प्रदर्शन होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप सबसे प्यारे बच्चों क्या हो गया वो गलत, ये मतलब मैं 2 नंबर में रखूँगा, क्योंकि आप अंडरलाइन वर्ड पर ध्यान, मतलब ये क्वेश्चन क्यों गलत हो गया, क्योंकि आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं समझा नहीं, इसलिए गलत हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 83 का सही आंसर है आपका अनुप्रयोग, क्योंकि प्रदर्शन वर्ड पर ध्यान देना था, संज्ञानात्मक पे भी उतना ध्यान नहीं देना था। चलो अब आगे से ध्यान देना है ना। 84 देखो, कहता है बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान, ओबियस बात है यार क्या पूछा, नेगेटिव, तो जल्दी से बताओ इसमें नेगेटिव क्या है। मैंने आपको एक वर्ड बताया था नेगेटिव, हाँ नेहा तिवारी कह रही हैं प्रदर्शन प्रयोग द्वारा ही संभव, तो नेहा तिवारी बिल्कुल सही कह रही हैं, आप याद रखना प्रदर्शन प्रयोग द्वारा ही संभव, कोई बात नहीं। 84 को बताओ नेगेटिव आंसर क्या है 84 का। देखो भैया आपको बता चुका हूँ, विज्ञान क्लब बनाओगे तो उससे विज्ञान से रिलेटेड बातें पता चलेंगी, क्षेत्र भ्रमण तो अभी अभी देखा ही था, अच्छा ही होता है। विज्ञान का कोना मतलब डेवलपिंग का साइंस कॉर्नर, मतलब कोई आप अपने कॉलेज मोहल्ले में साइंस कोना बना लो जहाँ साइंस की बात हो, तो ये भी अच्छी बात होगी, लेकिन व्याख्यान सुनना कभी भी अच्छी बात नहीं होती। तो यहाँ प्यारे बच्चों आपका कोना की जगह सही आंसर क्या होगा, 84 का 4, यही नेगेटिव आंसर है। बाकी सारे से आप सोच रहे होगे सर कोना ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा, विज्ञान का कोना का मतलब जैसे आप मोहल्ले पड़ोस में होते हो, तो अगर मोहल्ले पड़ोस में आपकी कोई ऐसी दुकान है जहाँ आप मतलब बातचीत होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, तो आपने देखा वहाँ लोग इकट्ठे होकर मोहल्ले की बातें, शहर की बातें, देश विदेश की बातें करते हैं, तो वहाँ आपका नॉलेज बढ़ता है, आपको अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उस मोहल्ले की दुकान पर जाके खड़े हो जाओ, या पान की गुमटी या सिगरेट फूंकने की जगह पर जाके लोग खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ यही सब चर्चाएं चल रही होती हैं क्या सही क्या गलत, तो इसी को कहते हैं कोना। तो कोना यहाँ काय का बना है, मान लो विज्ञान का बना आप बच्चों ने मिलकर, तो वो अच्छी बात होगी, वहाँ से साइंस की बात होंगी। आई होप कि अब आपको कोना नहीं लग रहा होगा, व्याख्यान वर्ड अच्छा नहीं होता, गप्पे मतलब देखो मैं भी व्याख्यान ही दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल थोड़े से ना बताऊँ तो आपको मज़ा नहीं आएगा फिर, है ना। 84 का 3rd नहीं होगा, प्रवीणा 4th होगा, 85 आता है। विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है, इसमें ऑप्शन है अवधारणा, मानचित्र, वर्णन, अभिलेख, पोर्टफोलियो, सत्रंत, उपलब्धि परीक्षण, तो बताइए क्या सही होगा, केवल डी, ए और डी, ए बी सी और बी सी डी। देखो सीखने में कमी का पता लगाया जाना है, तो जल्दी से बताओ, देखो एक बात तो पक्की है कि 100% सी होगा, मैंने कहा था ना आपको, देखो वही बार बार आता है, पोर्टफोलियो तो सबसे अच्छा आंसर हो, और यहाँ कोई अभिलेख अभिलेख की बात तो कही नहीं गई है, तो ये भी हो सकता है, और कंसेप्ट में फिर ये भी हो सकता है, तो डी टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट ये कम हो सकता है, और नहीं तो सी तो होगा। आप देखो ऑप्शन में सी कहाँ का, ये तो होना ही होना है, सी ना तो यहाँ है ना यहाँ है, या तो ये हो सकता है या फिर ये, और ये जो डी है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर आंसर क्या हो गया तीसरा, डी डी मतलब उपलब्धि परीक्षण, आपने क्या पाया इससे ज़्यादा आप इससे सीखोगे कि आपका पोर्टफोलियो क्या कहता है, आपका कंसेप्ट मैप क्या कहता है, आपके रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा ये तीनों शब्द बार बार आ रहे हैं, आपको क्लियर हो चुके हैं ना, इससे ही सिलेबस पता चल रहा है, पोर्टफोलियो मतलब आपका रिकॉर्ड प्लस आपके सारे अचीवमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल, रिकॉर्ड के साथ अचीवमेंट क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए देखिए एनसीडोटल रिकॉर्ड में तो सिर्फ आपके पढ़ाई से रिलेटेड या जो भी आपके अवार्ड वो मिलेंगे, लेकिन पोर्टफोलियो में क्या होगा कि आपका पढ़ाई तो साथ साथ, पढ़ाई के अलावा आपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कितना भाग लिया, स्पोर्ट्स कार्यक्रमों में कितना भाग लिया, ये पोर्टफोलियो कहलाता है, यही अंतर है पोर्टफोलियो और एनसीडोटल रिकॉर्ड में।
और कंसेप्ट तो बेटा अच्छी बात ही होती है, तो ये तो होना ही होना था। तो इस तरीके से अभी समझ में आ गया सबको, रवि यादव गुड मॉर्निंग। तो इस तरीके से ये हो गया आपका 85 का थर्ड। प्यारे बच्चों क्या हो गया थर्ड। अब आते हैं 86 पर। मैंने कहा था ना 10 क्वेश्चन होते हैं, तो शायद ये 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके आगे जस्ट थ्योरी आएगी, देखना। ये देखो आने लग गई थ्योरी, पश्मीना सानिया दादी, ये लंबा मेरुदंड। तो अंतिम क्वेश्चन है ये आपका 10वां क्वेश्चन। जल्दी से बताओ निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है, मतलब जिसमें देख सीखोगे, बताइए। मौखिक परीक्षण अवलोकन से तो मतलब नहीं, लिखित परीक्षण दिमाग से होगा, विचारों से, कागज पेंसिल में हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। तो बर्डन अवलेख, एनसीडोटल रिकॉर्ड, इनको देखकर आप किसी बच्चे की परफॉर्मेंस का पता लगा सकते हैं। एनसीडोटल रिकॉर्ड का मतलब आप तरीके से ऐसे समझ लो, अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कर रहा हो आपको, रिपोर्ट कार्ड। आपको याद है आपके स्कूल में रिपोर्ट कार्ड मिलता था, जिसमें आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम के रिकॉर्ड होते हैं। तो रिपोर्ट कार्ड है ये, जिसे कई जगह स्कूलों में प्रगति पत्रक कहते होंगे, प्रगति पत्र कहते होंगे, प्रोसेसिंग रिकॉर्ड कहते होंगे, प्रोग्रेसिव रिकॉर्ड कहते होंगे, या रिपोर्ट कहते होंगे। तो बस यही होता है एनसीडोटल रिकॉर्ड। तो किसका अवलोकन करोगे, वर्णन अवलेखों का रिकॉर्ड का। और इसके अलावा तो ना मौखिक में आप अवलोकन कर पाओगे, लिखित में विचार दिमाग लगेगा, कागज पेंसिल करोगे तो भैया वो भी अवलोकन नहीं हो। तो इस तरीके से आपका चौथा। अब मुझे बताओ साइंस में कम से कम कितने बच्चों के 4 या 5 नंबर तक तो आ ही रहे होंगे, कम से कम 4 तो सही हुए ही होंगे ना, 4 या 5। और सोचो बच्चों ये तब है जब आप बिल्कुल जीरो नॉलेज रखते थे। अब तो मैंने कई सारी बातें भी बता दी तो और अच्छा लगेगा आपको। 86 का चौथा है प्यारे बच्चों। अब जल्दी से बताओ, रोशनी यादव कह रही है 10 में से 7 सही है, रुचि दुबे के 7 हैं, प्रभाकर तिवारी के 6 हैं, नीता देवी के 5 हैं, साधना चौहान के 4 हैं, आरती संकवार के 6 हैं, सीलू कुमारी के 6 हैं, दिव्यांशु वर्मा 2 गलत हुए, धीरन वर्मा 4, प्रीति इटावा के 5 सही हैं, नेहा यादव के 4 हैं, शिवांगी सेंगर के 6 हैं, अनु राजपूत के 5 हैं, मोहम्मद आलम 7। मुझे लगता है कि किसी के भी 5 से नीचे नहीं है। और आप देखो जब मैथ की करी थी तो बहुत सारे बच्चों के 4 भी थे। और बेटा यहाँ पे गलत लिखने से कोई फायदा नहीं, अगर आपके 2 नंबर भी हों तो आप ये मत सोचना कि आप कमज़ोर माने जाओगे। अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर लिखा करो, इससे क्या होता है मुझे भी आइडिया होता है कि भाई क्यों, लेकिन लिखना सही है आपने। देखो सरस्वती उसी के पास आती है जिसके अंदर सच्चाई होती है। तो आप अगर मान लो यहाँ झूठ भी लिखोगे बड़प्पन के चक्कर में, तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि रिजल्ट आपका सब कुछ बता देगा। तो प्यारे बच्चों पूरी ईमानदारी बरतिए आपके साथ, जब आप ईमानदार होंगे तो ईश्वर भी आपके लिए ईमानदार होगा, इतना ध्यान रखिए। जैसी करनी वैसी भरनी। तो बहुत बढ़िया, जिस तरीके से रवि यादव कह रहे हैं सर लेट हो गया, कोई बात नहीं बेटा, अभी ये बाद में देख लेना। तो मुझे लगता है कि मैं बस इतना ही रखता हूँ, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन थे, मैथ के थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस तरीके से 1 घंटा हो चुका ऑलरेडी, 9 से 10। तो आई होप कि आपको अब साइंस मैथ की पेडागॉजी समझ में आ चुकी होगी। अब मैं मैथ को सॉल्व आउट करूंगा, मैथ के मैं लगातार वीडियो बना देता हूं ताकि जल्दी से आपको ये सब समझ में आने लग जाए। आज से ही चालू कर देंगे, आप बस देखते रहना अपने तरीके से। अब बीच में दोपहर में अगर मिलना हुआ तो मिलना हुआ होगा। आप लोग सब लोग क्या करो कि इसका जो जो बेल आइकॉन वाला बटन है वो जल्दी से दबा लो, तो फिर क्या होगा अगर मैं कुछ भी डालूंगा तो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो कई बार ऐसा होता कि मैं जानबूझ के थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट करने के लिए हो सकता है लाइव क्लास लूँ आज दिन में, तो आपको फिर जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अब रात को 9 बजे मिलेंगे, ठीक है सर। बोर्ड पे भी समझा दो, तो बोर्ड पे भी समझा देंगे, परेशान ना हो बेटा। मैथ को आप साइड में रखो, बस आप मेरे तरीके से चलो। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपका साइको, फिर हिंदी और संस्कृत, पहले ये 3 सब्जेक्ट मिला के कितने क्वेश्चन कराएंगे, 90 क्वेश्चन कराएंगे कि नहीं कराएंगे प्यारे बच्चों। तो आप ये मान के चलो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं यहाँ समझाना चाहूँ तो आप ऐसे मान लो यहाँ समझा देता हूँ। देखिए अगर आप अपनी साइको ले लो, मतलब कि CDP प्लस हिंदी, अधिकतर बच्चों ने जो देख रहे हैं उनने संस्कृति भरा होगा, या फिर अंग्रेजी भी ले सकते हो, तो 3 सब्जेक्ट मतलब 30, 30 और 30। देखो इसमें तो ग्रामर भी ना के बराबर आती है, साइको कितनी सरल थी आपको पता लग रहा है। तो ये होते 90 क्वेश्चन। मेरा लक्ष्य ये है कि इन 90 क्वेश्चनों में से 90 में से आपके कम 70 आ जाए।
अगर 70 आ गए तो बाकी 90 के बाद कितने बचेंगे, 60। अगर तुम एक ऑप्शन का तुक्का भी मारा होगे ना तो चौथा हिस्सा सही होना, मतलब 15 सही हो जाएंगे। तो 70 और 15 कितने हो गए 85। भैया ऐसा तो है नहीं कि ये पेडागोजी के बनेंगे नहीं, तो आप ऐसे समझ लो कि भैया फेल होने का तो कोई कॉलम ही नहीं है। ठीक है, दीक्षा तो हमारे मैथ और संस्कृत ज़्यादा करवा दो, जिसे मैथ नहीं आती उसे आएगी नहीं, और संस्कृत जिसे नहीं आएगी उसे आएगी नहीं। तो हमेशा कुछ ऐसे सोचो कि आपका काम अच्छे से हो। रविकांत कह रहे हैं सुबह अच्छी हो गई, आई होप कि आपका ऐसे ही सब रोज दिन अच्छे जाएं। कहते हैं कि आपको सुन के सुबह अच्छी हो गई, बहुत बढ़िया बात है। कोमल बतरानी जूनियर की SS कब पढ़ाएंगे आप? तो पहले कोमल बतरानी, मैंने क्या कहा आपको, साइको हिंदी और संस्कृत, इन तीन विषयों में आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब मेरे 30 में से कम 24-25 नंबर तो आने ही आने हैं। तो 25 दिया होगा 75 और 20 दिया होगा 60। तो इस तरीके से कम 60 से 70 नंबर आना चाहिए, है ना। अगर 60 से 70 नंबर आएंगे तो ही आपका भला होगा। बिल्कुल दिमाग से निकाल लो मैथ बेटा। देखो 2 घंटे की क्लास में ही आपको कितनी पॉजिटिविटी पता चल रही होगी आपको, और अभी तो ना जाने जैसे जैसे दिन और बढ़ेंगे, एडमिट कार्ड आ जाने दो फिर और मैं आगे। बस आप एक डेटा पैक डलवा लेना 6 GB 8 GB वाला, तो आपका काम बनता रहेगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, फिर अब हम या तो बीच में दोपहर में मिलेंगे और नहीं तो रात को 9 बजे तो कन्फर्म है। ठीक है गाइस, तो टेलीग्राम पर PDF नहीं मिली सीलू कुमारी, बिल्कुल मिलेगी, आप देख लेना, उसमें जस्ट अभी 1 या 2 पोस्ट के पहले ही डली हुई है, तो बिल्कुल मिलेगी। लेकिन आपको रैम अकेडमी के चैनल पर जाना होगा। आशिक यादव कह रहे हैं सर ये इटावा की कोचिंग है का, ये बेटा इटावा की तो है ही, पूरे इंडिया की कोचिंग है ये। ठीक है, इटावा इटावा भर की कोचिंग नहीं है जी। थैंक यू फॉर ऑल, फिर मिलते हैं रात को आज फिर से 9 बजे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्फॉर्म कर देना ताकि फिर मिलेंगे हम 9 बजे। ठीक है रिंकू, थैंक यू, दिव्यांशु, सुचित्रा, सभी को थैंक यू। मिलेंगे अब रात को 9 बजे, और बीच में मैं लाइव क्लास ले सकता हूँ। तो आप क्या करना, चैनल का लाइक सब्सक्राइब के साथ वो जो बेल आइकॉन वाला बटन है वो दबा देना, तो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा आपको कि भैया मैं लाइव आने वाला हूँ। ठीक है, चलो फिर, बाय बाय, टाटा।